अब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक से ठीक पहले बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी पहले ही लगातार जेडीयू को कमजोर करने में जुटी रही थी और मणिपुर में जेडीयू विधायकों का पाला बदलना इसी का सबूत है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ पूरी रणनीति के साथ जेडीयू मैदान में उतरना चाह रही है। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना, तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को हम का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, अब कहीं लगता है इसकी शुरुआत हो गई है? अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे, अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए। नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पैसा घात कैसे देखते? नहीं नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है? अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।